भाई साहब ये क्या था यार, रणवीर कपूर की ये टीजर देखकर भाई मैं तो शॉक हो गई हूँ। ब्रह्मास्त्र जैसी ब्लॉकबस्टर मूवी देने के बाद रणवीर कपूर एक बार फिर अपने फॉर्म में लौट आए हैं। फॉर्म में नहीं बल्कि एक नए अवतार में, लंबे बाल और बड़ी हुई दाढ़ी, हाथ में बंदूक और सीने पर जख्म। हम बात कर रहे हैं उनकी अपकमिंग मूवी एनिमल की। नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंदी खबर और मैं हूं आपके साथ रिया कुमारी। रणवीर कपूर का आज जन्मदिन है। जी हाँ, इस मौके पर रणवीर के फैंस को तोहफा देते हुए मेकर्स ने उनकी अपकमिंग फिल्म एनिमल का टीजर रिलीज कर दिया है। रणवीर कपूर की फिल्म एनिमल साल 2023 की मोस्ट अवेटेड फिल्म है। इस फिल्म के इंटेंस पोस्ट जारी होने के बाद से फैंस फिल्म का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। क्या आप भी इंतजार कर रहे थे? वही मेकर्स ने फैंस को बड़ा तोहफा देते हुए 28 सितंबर यानी कि आज रणवीर कपूर के बर्थडे पर एनिमल का मोस्ट अवेटेड टीजर रिलीज कर दिया है। टीजर में आप रणवीर कपूर को संत कबीर का दोहा बोलते सुनेंगे, वो तोड़फोड़ मचाते और किसी चीज की तलाश करते हुए कहते हैं, बुरा जे वेखन में गया बुरा ना मिलिया कोई, जे मैं आपो देखिया मुझ तो बुरा ना कोई। इस डायलॉग से साफ है कि फिल्म में सबको जिसने डरने की जरूरत है वो कोई और नहीं बल्कि हीरो हमारे रणवीर कपूर खुद है। टीजर काफी धमाकेदार है, बेहद धांसू है। एनिमल का टीजर की शुरुआत अनिल कपूर और रणवीर कपूर के मुंह तोड़ तमाचे पर है। जी हाँ, इसमें अनिल कपूर जो है वो रणवीर कपूर को जोरदार तमाचा मारते हैं। इसके बाद रणवीर कपूर और रश्मिका मंदाना नजर आते हैं और रणवीर रश्मिका से कहते हैं कि माय फादर इज बेस्ट फादर इन द वर्ल्ड। इसके बाद रणवीर का इंटेंस लुक नजर आता है और धासु एक्शन सीन भी दिखते हैं। टीजर के लास्ट में बॉबी देओल नजर आते हैं। टीजर में रणवीर कपूर के वायलेंट लुक को देखकर रोंगटे खड़े हो जाते हैं। इसमें साफ हो गया है कि फिल्म में वे अपने डेंजर लुक से इंप्रेस करने वाले हैं। मेकर्स ने रणवीर और उनके एक्शन से भरपूर सीन की एक झलक दी है। एक गैंगस्टर ड्रामा मानी जाने वाली इस एंटरटेनिंग फिल्म में रणवीर मुख्य भूमिका में है, जिसकी कहानी एक पिता बेटे के बीच रिश्ते पर फोकस है। अनिल कपूर एनिमल में रणवीर कपूर के पिता के रोल में नजर आएंगे। वहीं अगर रश्मिका मंदाना की बात करें तो रश्मिका मंदाना रणवीर की गर्लफ्रेंड के रोल में है। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि आखिर ये मूवी कब रिलीज होने वाली है ना? आप लोग भी एक्साइटेड होंगे। तो आपको बता दें कि ये फिल्म पहले अगस्त में रिलीज होने वाली थी। बाद में अगस्त में ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर सनी देओल की गदर 2 और अक्षय कुमार स्टार OMG 2 से क्लैश हो रही थी। इसे देखते हुए मेकर्स ने रिलीज डेट को आगे बढ़ा दिया है। अब ये फिल्म 1 दिसंबर को रिलीज होगी। अर्जुन रेड्डी जैसी फिल्मों को बनाने वाले डायरेक्टर संदीप रेड्डी वांगा की ये फिल्म धुआंधार होने वाली है। ये बात इस टीजर से साफ हो गई है। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही और इसी तरह देखते रहिए हिंदी खबर और फिलहाल के लिए मुझे दीजिए इजाजत।